अब ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। कॉस्मिक आयनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस, पर्टर्बेशंस का मतलब होता है गड़बड़ी। अब एक स्टडी ये बता रही है कि जो अर्थक्वेक आता है, राइट, अर्थक्वेक आने से हम लोग को उसकी वेव्स है वो कहां कहां पर देखने को मिलती है, धरती के नीचे, पूरी धरती जो है अर्थक्वेक आने से हिलती है। एक स्टडी ये बता रही है आयनोस्फेयर कहां पर है, आयनोस्फेयर ये भी पढ़ा है हमने, कहां पर है आयनोस्फेयर, वो एस्थिनोस्फेयर है यार, कहां ऊपर, ऊपर है हवा में, एटमॉस्फेयर में आयनोस्फेयर एक आता है जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो रेडियो सिग्नल जो है ना वहीं से ऑपरेट करता है आयनोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर पढ़ा था ना अपन ने, तो ये वेरियस लेयर्स होती हैं। कहना ये है रिसर्च का कि जब भी अर्थक्वेक देखा गया है तब उस समय आयनोस्फेयर में कुछ हलचल जो है वो देखने को मिली। दैट मींस कि एक वेव धरती पर, धरती पे तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वेव्स रिलीज हो रही है, बट एक वेव्स एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है जिस वेव को हम लोग बोलते हैं अकूस्टिक वेव्स। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो कि एपिसेंटर फोकस हुआ, फोकस यानी कि जहां पर धरती के नीचे जहां पर अर्थक्वेक हुआ उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, फोकस के जस्ट ऊपर होता है एपिसेंटर सरफेस एरिया पे। फिर उसके बाद लहरें जो है वो एक बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, दो दो प्रकार की वेव्स होती है, एक सरफेस पे चलती है और दूसरी बॉडी पे चलती है, तीसरी अकूस्टिक वेव्स जो एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज हो जाती है और ये डिस्टर्ब कर रही है आयनोस्फेयर को, देख लो। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना। और ये सीआईपी कॉस्मिक आयनोस्फेयरिक पर्टर्बेशंस यानी गड़बड़ी, कि कॉस्मिक आयनोस्फेयर की गड़बड़ी जो है वो जो हो रही है तो ये क्यों हो रही है, सिस्मिक एक्टिविटी के कारण। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मतलब अब आप आयनोस्फेयर को स्टडी करके ये पता लगा सकते हो कि धरती में कुछ गड़बड़ी जो है वो हुई है बिकॉज क्योंकि वो वेव्स जो है वो उस पर जाके टच होती है और उसको गड़बड़ करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखना है। अब इससे आप अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग कर सकते हो, प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हो, राइट, एकॉस्टिक वेव्स जो है वो ये ध्यान में रखना, ये वाली वेव्स। अब आंसर बता दो इस क्वेश्चन का कि मेन फोकस है वो स्टडी का क्या हम लोग को जो है वो देखने को मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने ये स्टडी करी थी, कौन सा, CIP जो है वो मेन हम लोग को फोकस इस स्टडी का देखने को मिला था।